तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और पीछे आप मोनू जी को देख के पहचान ही गए होंगे कि हमने इनकी क्या है एक्टिवा 6G थी ना, उनका क्या है ओनरशिप रिव्यू किया था। और जो क्या एवरेज देखने को मिला हमें 56 का, और वैसे कितने का ले रहे थे? 40-45 का। तो मोनू जी कह रहे क्यों ना इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर चला जाए। आपने ओला भी करवाई थी? ओला में बुक करवाया था, लेकिन कितने में हुआ था? 500 में हो रही थी, लेकिन पता नहीं लग रहा था कि कब डिलीवर करेंगे कब नहीं करेंगे। तो सोचा कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी को देखा जाए एक बार। तो यहाँ जो है कंपनी एक बार मैं दिखा दूँ आपको, इवोलेट करके है यहाँ पे। तो यही हम आए हैं, आप देखो इनके 2-4 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मोनू जी किसकी ओर चला जाए, चले अंदर? चलो अंदर चलते हैं एक बार। देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, ये आवास विकास में है। अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ अगर आप देखें, यहाँ आपको ATV इलेक्ट्रिक वाली भी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो मेन फोकस आज हमारा रहेगा, ये आप ये देख रहे हैं डर्बी पे रहेगा, क्लासिक करके है ये, इसी के बारे में। तो कैसी लग रही मोनू जी? लुक है। कलर कैसा लग रहा? मतलब एक पूरा अब तुम्हें जांच पड़ताल करनी है कि हाँ तुम्हारे हाँ लेने लायक है तुम्हारे या नहीं है। तो एक बार इसे इसको देखो कैसा कलर बताओ पहले, सबसे पहले कलर तो सही है, कलर सही है, कलर बढ़िया है। एक बार अगर मैं दिखाऊँ यहाँ से, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करें सेंटर लॉकिंग, तो इसमें पूरा ऑटोमेटिक देखने को मिल रहा है, अगर कारों की तरह। खोलना इसे मोनू, ये खुल चुका है। तो मतलब इसमें आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से कई चीज़ें, इसमें कई सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे इसमें, लॉक अनलॉक का। और साथ ही साथ इसे 2 बार प्रेस करने पे शायद स्टार्ट भी हो जाती है, तो इसे अभी चेक करेंगे। सबसे पहले इसका हम बिल्ड क्वालिटी देखते हैं कैसी है। फ्रंट से अगर आप देखो, इसमें आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखो ये अलार्म का सिस्टम है। थोड़ा भैया बताएंगे इसके बारे में, भैया बताना क्या क्या फंक्शन है इसमें, थोड़े मतलब इसके सेंट्रल लॉकिंग के बारे में बता दो। सेंट्रल लॉकिंग के बारे में, ये हैंडल लॉक भी हो जाती है और सेंट्रल लॉक भी हो जाती है। जब सेंट्रल लॉक हो जाती है तो ये इसको हम गाड़ी को आगे नहीं चला। अच्छा, ये मतलब एंटी थीफ वाला जो उसका है, जैसे अगर आप बंद करेंगे तो अगर हम इसको लॉक कर देते हैं तो ये आगे नहीं जाती है, तो पीछे वाला टायर होता है ये जाम हो जाता है। अच्छा, आगे नहीं बढ़ती है। अच्छा, और जब तक इसको हिलाएंगे तब तक ये आवाज़ करती रहेगी। अच्छा, ये सही लगा, कैसा लगा मोनू जी? ये सही है, मतलब एक तरह का जो और भाई सा गए ना भाई, मतलब कहीं अगर आप जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में तो इस तरह की बात ये है कि इसमें GPS लग रखा है। GPS का भी है, मोबाइल ऐप से हम इसको अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं और लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और ये रिमोट कंट्रोल तो तुम्हारा है ही। अच्छा, मतलब सेंटर लॉकिंग का ये सिस्टम है, हैंडल भी लॉक कर सकते हैं इसको इसी की से। और इसका इसमें एक फोन चार्जिंग है। अच्छा, फोन चार्जिंग भी, बाकी अभी इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मोनू, जो मेन आज जो है जो एक्टिवा से परेशान हो गए हैं मतलब एवरेज का, तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखें तो ये स्मोगी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अगर इंडिकेटर इसे ऑन करके अगर इसे मैं करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे LED टाइप का देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसा रहा और हेलोजन टाइप का आपको इसमें आपको डबल लाइट LED भी और हेलोजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे जलाना भैया, ये देखिए आप, कुछ ऐसा है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर डिजाइनिंग की बात करें, डिजाइन इधर आओ मोनू, मोनू भाई कैसा लगा डिजाइन? डिजाइन बहुत प्यारा लगा, मतलब इतना वैसा भी नहीं है कि जो थोड़ा बड़ा हो, अगर आराम से मार्केट में इसे ले आ सकते हैं ना। बाकी कलर, कलर ऑप्शन इसमें और कितने भैया? कलर 3 है, 3 कलर ऑप्शन है अभी। हाँ, बाकी ब्लैक और है, ये ब्लैक आप देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा, बाकी ये ग्रे टाइप में है और ये ब्लू। लग कौन सा बढ़िया रहा है मोनू जी? यही ब्लू। बाकी अगर सस्पेंशन की बात करें, आपको जो बाइकों में टेलीस्कोपिक टाइप देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पे फ्रंट में सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। डिस्क ब्रेक देखने को मिल रही है और आगे नहीं पीछे भी देखने को मिल रही है मोनू जी। तो पीछे कहीं देख मिल, आगे पीछे कहीं मिलते, हाँ पीछे भी नहीं देखने को मिलती है। बाकी मेट्रो के टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये कुछ एलॉय रिम्स टाइप आपको इसमें व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपने देख लिया। बाकी और स्पेस की बात करें, ये जो स्पेस है ये अपनी एक्टिवा से भी ज़्यादा लग रहा है, आराम से आ जाएगा इसमें सिलेंडर है। हाँ,
अगर घर के काम भी करना चाहें तो इजीली हो सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। बाकी एक बार से इस पे करना, ग्राउंड क्लियरेंस देखें इसका कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख सकते हैं दोनों स्कूटी का, काफ़ी अच्छा है। स्टैंड से हटा दो, डबल स्टैंड से हटाना, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा है स्कूटी का। अब इसके रियर सेक्शन की ओर चलें तो रियर में आपको दोनों साइड आपको ये सस्पेंशन देखने को मिलेंगे कॉइल टाइप। बाकी पीछे है BLDC, ये वाटरप्रूफ मोटर है, 250 वाट की है। बाकी आपको रियर में डिस्क देखने को मिल रही है, डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों जगह हैं। और रियर में देखें तो स्मोगी टाइप में आपको जो है टेल लैंप्स भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जो अगर आप ये देखें रिफ्लेक्टर्स नीचे देखने को मिलेंगे। बाकी इंडिकेटर्स जलाना, इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के हैं जो आप ये देखने को मिलेगा। और अभी इसके एंड में क्या प्राइस है, क्या मोनू जी को सही लगी ना लगी प्राइस, उसकी भी बात करेंगे। अब आपको अंडर सीट स्टोरेज दिखाते हैं और बैटरी की बात करते हैं। तो अंडर स्टोरेज आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले एक सेफ्टी का फीचर इसमें MCB ये देखने को मिल रहा है। बाई चांस अगर आप नहीं चलाते हैं तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। बैटरी की ओर चलें तो ये आपको लिथियम आयन बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि कितने 3 साल की है, तीन साल की इसमें आपको वारंटी देखने को मिलेगी। बाकी इसे हम निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं ना, निकाल के यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, एक बोर्ड खोलना है यहाँ से निकाल के। बाई चांस अगर आपका घर मतलब थोड़ा, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, नीचे स्कूटी खड़ी रहती है, चार्जिंग पॉइंट कहीं नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि इसे निकालो और फटाफट से मतलब चार्ज कर सकते हैं आप। बाकी अभी इसकी टेस्ट राइड की वीडियो अलग से मोनू जी के साथ आएगी, पूरा हम बैठ के चलाएंगे इसे। और इसके बैटरी कितने की है, 48 वोल्ट की है जो बैटरी आपको देखने को मिलेगी इसमें। इसमें जो इसकी BLDC मोटर है 250 वाट की, उसकी 18 महीने की जो है वारंटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसमें आपको स्पीड है वो भी चेक करेंगे पूरा। सबसे पहले आप सेंटर मीटर कंसोल में हम चलते हैं, ये पूरा आपको डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सब कुछ, आपको स्पीड या TFT आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ अगर आप देखें, कैसा लग रहा है मोनू जी, सही लग रहा है, बैठो आप, बैठो मोनू जी, हॉर्न भी कड़ाका है, कड़ाका हॉर्न है, चलो बढ़िया है, आगे को बढ़ लिया, मतलब अभी स्टार्ट है। और इसका रिवर्स है, होता है इसमें रिवर्स का ऑप्शन, तो वैसे मतलब इतना प्रैक्टिकली अगर बात करें रिवर्स कोई करता भी नहीं है, है ना। बाकी आगे के लिए चाहिए होता है। बाकी ये इंडिकेटर्स हैं, ये हाई बीम लो बीम हो गया, और ये पूरा आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। अब इसकी टेस्ट राइड लेंगे। और ये क्या है, आगे बढ़ाना आप इसे, ये पार्किंग के लिए है। पार्किंग का यूज़ कब होता है, दोबारा बंद करना। अब जैसे बाई चांस अगर ये स्टार्ट रहती है, बच्चे क्या है, जब हम आगे छोटे बच्चे होते हैं अगर उन्हें बिठाते हैं तो उनकी एक आदत होती है हाथ में काफ़ी खुजली रहती है, तो ये काफ़ी मतलब ये अगर आप पेट्रोल उसमें भी स्कूटी में भी बिठाते हैं ना, तो ये आदत उनकी काफ़ी मतलब कभी कभार मतलब ठुक ठुका भी जाते हैं। तो इससे क्या है, ये जब तक नहीं दबाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। अब दबाना, अब चलाओ, अब चलेगी ये, यहाँ पे आप देख रहे हैं। बाकी इसकी जो टॉप स्पीड है 40 तक चले जाती है, वो भी अब अगर आपको दिखाएंगे। अब इसमें हेलमेट तो काफ़ी ज़रूरी है मोनू जी, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटी हो या अपनी पेट्रोल स्कूटी हो, हेलमेट की काफ़ी ज़रूरत है। तो कैसा लगा मोनू जी, एकदम बढ़िया, अभी टेस्ट ड्राइव करके बताते हैं। हाँ अभी टेस्ट राइड करेंगे तो बुक करवा लें। करवा लें तो मतलब वो छुटकारा बार बार पेट्रोल पंप पे जाने का, चार्ज करो घूमते रहो। हाँ बिल्कुल, ये ठीक हो गया, सर्विस से छुटकारा हो जाएगा बाकी पेट्रोल से। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये अराउंड 68 कितने की पड़ रही है, 68,000 की पड़ जा रही है। तो दोस्तों ये आपने देख लिया, ये वॉल डर्बी का कुछ हमने जितना भी था मोनू जी को कैसा लगा। तो अब जो मेन ऑनर है यहाँ के, जो भैया हैं, उनसे आपको यहाँ पे मिलाते हैं। ये रहा यहाँ पे पूरा एड्रेस वेड्रेस सब कुछ बताएंगे। आओ मोनू जी। तो भैया हमारे साथ हैं, अंकल जी हमारे साथ हैं, तो भैया एक बार नाम बता दो। मेरा नाम है प्रशांत सिंह कुशवाहा। प्रशांत भैया साथ में, अंकल जी का। हाँ मेरा नाम सुन सिंह कुशवाहा है। तो भैया एक बार थोड़ा इसके बारे में बताओ। सर हम सर साधना इलेक्ट्रिक गैलरी से हैं सर। अच्छा। हमारे शोरूम रुद्रपुर में। दरअसल बात यह है कि आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नॉइस पोल्यूशन भी काफी सारा बढ़ गया है। तो इस चक्कर में जो है इस जो इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है, जिसको हम
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने को हो रहे हैं इस मार्केट में, तो इस चक्कर में हमने जो है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमने एक शोरूम खोला है, एजेंसी डीलरशिप है हम पे। तो सर गडकरी जी ने भी ये कहा है कि 2025 में वो चाहते हैं कि 150 cc से नीचे की जितनी पेट्रोल बाइकें हैं उन पे हम बैन लगा दें, और 2030 तक जितनी भी गाड़ियां जो टू व्हीलर हों हमारी सड़कों पे वो सारे इलेक्ट्रिक हों। तो उस चीज़ के लिए हमारे पे ये सारे प्रोडक्ट हैं, हम पे डर्बी है, एक पोलो है और एक धन्नो प्रोडक्ट है। बाकी आपका भी चैनल है करना? हमारा भी एक चैनल है, उसका नाम है साधना इलेक्ट्रिक गैलरी, वोलेट करके नाम है उसका। बाकी सब्सक्राइब तो करेंगे उस पर, क्योंकि सब कुछ इसका देखने को मिलेगा ही, आप डालते रहते होंगे। हमारे जो भी प्रोडक्ट आएंगे उसकी आपको फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ आपको सारा उसमें अपडेट मिलती रहेगी सर। बिल्कुल ये है। और सर हमारा ये हमारे यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। अच्छा, फाइनेंस की भी? फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। और सर ये जो है हमारी कंपनी जो है गुड़गांव बेस्ड है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है सारे। अच्छा। और हमारा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जब तक ओला ने तो कुछ ज्यादा बड़ा प्लांट लगा दिया है, तो हम अब सेकंड नंबर पे आ गए हैं। हमारा जो कंपनी के जितने भी ओनर हैं सब हमारे मिलिट्री के रिटायर्ड पर्सन हैं, तो इसलिए जो है जितने भी प्रोडक्ट हम पे हैं सब ए क्लास प्रीमियम क्वालिटी के। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट आते हैं सब प्रीमियम क्वालिटी में आते हैं, ये हल्की क्वालिटी में नहीं आते। बिल्कुल। एक बार सर एड्रेस और बता दो, रुद्र में कहाँ है, नंबर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे। हाँ, हमारा एड्रेस है सर मेन रोड पे, आप आएंगे नैनीताल रोड पे। अच्छा। लॉयल रोड पे, तो जहाँ पे HDFC बैंक है उसके पीछे पार्क से लगते हुए हमारा ईवोलेट शोरूम है। अच्छा। और पंजाबी हांडी के बगल में भी हमारा जो एक बिल्डिंग पहले है मेन रोड पे, वो बिल्डिंग हमारी साधना टावर जिसमें लिख रहा है, वहाँ पे हमारा एक छोटा रिसेप्शन ऑफिस है, आप वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ से आप अटेंड हो जाएंगे और वहाँ से हमारा कोई ना कोई जो एक एम्प्लॉई होगा वो आपको यहाँ हमारे यहाँ शोरूम पे ले आएगा और आपको सारे प्रोडक्ट दिखा देगा। आपकी गाड़ियों की सर्विस भी सब यही होगी, हम पे पूरे उधम सिंह नगर की जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी। अच्छा, नंबर और बता दो सर। बस सर मेरा नंबर हुआ 9639244025 और हमारे फादर का नंबर हुआ सर 9899770588। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, आपने डर भी, बाकी जितनी भी स्कूटर हैं उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो मोनू जी कब बना रहे बजट, फाइनेंस की भी सुविधा? हाँ, जैसी जैसी मोनू जी का, हाँ मोनू जी का जैसी बजट बनता है वो एक डिलीवरी की वीडियो आप देख लेना। तो यही आए थे आज हम, तो बेसिक जो नीड थी हमारी वो पूरी हो गई मोनू जी। क्यों? हाँ, तो मेन क्या जो मेन तो ये है कि भाई चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मतलब वो तो मेन है। भी लेना हो ग्रुप उधम सिंह नगर उत्तराखंड में, स्कूटी आए बिल्कुल। और कलर बताओ मोनू जी कैसा लगा? कलर तो मेरे को यही ब्लैक और ग्रे से कलर यही अच्छा लगा मेरे को, ब्लैक और ग्रे से। बाकी अभी इसकी टेस्ट राइड की वीडियो आप देख लेना। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, बाकी आप यहाँ आ सकते हैं, वॉलेट का शोरूम है। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।